Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडे राव का गुस्सा अपने ही बेटे का बनेगा दुश्मन, अपने ही बेटे का करेगा नुकसान, यानी कि माले राव का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडे राव जिनके गुस्से को सब जानते हैं, दुश्मन से लेके बच्चे तक सब जानते हैं कि गुस्से में कभी भी वो सही फैसला लेते नहीं है बल्कि नुकसान ही करते हैं। सिर्फ खंडेराव ही नहीं जानते हैं कि उनके गुस्से से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा उनको करते देखा नहीं है। मगर ये जो नुकसान है ये बड़ा नुकसान है दोस्तों, क्योंकि गुस्सा उनको पहले से ही था, उसी गुस्से में उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया और इतना बड़ा, जो कह सकते हैं कि माले राव की लाइफ में एक बड़ा अध्याय खोल दिया। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देवी अहिल्या ने उसी सजा को आगे बढ़ाया जो पहले गुरुद्रोह के लिए दी जाती थी, यानी कि जो खंडे राव को मल्हार सरकार ने दी थी वही माले राव को देवी अहिल्या ने दिया कि गुरुकुल भेजना है। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे खंडेराव अपने साथ लेके जाने की बात करेंगे, मगर यहाँ खंडेराव ने इस बात को इस तरह से घुमाया कि देवी अहिल्या भी मजबूर हो गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब खंडेराव देवी अहिल्या से लड़ रहे थे उनको एक बार भी ये ध्यान नहीं आया कि यहाँ पे खड़े सब लोग ये तमाशा देख रहे हैं। देवी अहिल्या ने कोई बात नहीं की, कोई लड़ाई वाली बात नहीं की यहाँ पे, जबकि वो सही थी, गौतमा रानी ने साथ दिया यहाँ, मगर देवी अहिल्या ने नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि ये फैसला सही है और ऐसा ही होना चाहिए और बनवास नहीं भेज रहे हैं, गुरुकुल ही भेज रहे हैं, यानी कि बोर्डिंग स्कूल आज की भाषा में बात करें तो। मगर खंडेराव को ये बात मंजूर ही नहीं है। ऐसा खंडेराव के साथ गुरुकुल में हुआ क्या है जो खंडेराव को इतना बुरा लगता है गुरुकुल में जाना? यहाँ बच्चे ने इतनी बड़ी गलती की है, गुरुजी की जान तक जा सकती थी। बिच्छू और जहरीला होता तो गुरुजी की जान चली जाती, वो तो दो दो बिच्छू छोड़े थे। तो ये गलती खंडेराव की जो कर रहे हैं माले राव को बचाने के लिए, बहुत बड़ा नुकसान है माले राव का। देवी अहिल्या इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, उनकी आंखों में आंसू है, वो अपने सामने अपने बेटे का भविष्य उजड़ता देख रही है, वो देख रही है उसके बाबा उसके बेटे को, यानी कि उनके अपने बेटे को कैसे बिगाड़ रहे हैं। और फिर जब कमरे के अंदर भी जब ये बातें होती हैं तो वो कैसे इस चीज को अंडू करने की कोशिश करते हैं, मतलब वापस से कि गुरुजी को नजराना दे देंगे, गुरुजी का इलाज करवा देंगे। मतलब ये कि किसी का दर्द जो देवी अहिल्या समझती है, किसी का अपमान कोई मायने ही नहीं रखता है, आप किसी के अपमान को दर्द को नजराने का रूप दे देंगे। तो बिल्कुल सही कहा देवी अहिल्या ने कि हम ये संस्कार दे रहे हैं अपने बेटे को, कल को वो किसी को भी मारेगा, किसी को भी चोट पहुंचाएगा और नजराना दे देगा। तो ये चीज देवी अहिल्या खंडेराव को समझाना चाहती थी दोस्तों, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप दूसरी गलती कर रहे हैं। मगर खंडेराव कहां समझने वाले हैं, माले राव अब आगे और भी ज्यादा बड़ी शरारतें करने वाला है बिकॉज ऑफ खंडेराव, क्योंकि खंडेराव को गुस्सा ईश्वरी सिंह पे था, उन्होंने उसी गुस्से को और ज्यादा उनका आगे बढ़ा और वो उन्होंने देवी अहिल्या पे निकाल दिया और अपने बच्चे को इतनी बड़ी शह दे दी कि आगे भविष्य में जो भी वो करे उसके ऊपर उसके बाबा साहिब उसके साथ ही होंगे, माफी मांग लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मगर उसको ऐसी कोई बड़ी सजा उसकी आई साई दे नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये खंडेराव की इतनी बड़ी गलती है कि इसके ऊपर उनके बेटे का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद होगा। अब खंडेराव माले राव पे और ज्यादा नजर रखेंगे कि माले राव क्या कर रहा है और अहिल्या देवी उसके ऊपर क्या करने वाली है। तो ये सब चीजें माले राव के भविष्य के लिए पूरी तरह से खतरनाक है, वजह है खंडेराव उनके अपने बाबा साहिब। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.